Hi everyone, this is Anandita Baghel. It's day 14 of 30 days challenge. मेरी शक्ल से शायद दिखता नहीं है but I am really panicking right now. क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं ना my heartbeats are getting faster and faster. क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ, लेक्चर्स देखूँ, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, प्लस रिविजन के लिए भी टाइम निकालूँ. इट्स टू मच, इट्स सो ओवरवेलमिंग फॉर मी राइट नाउ. तो मुझे कुछ कभी कभी तो आई गॉट सो नेगेटिव, मुझे लगता है कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. बट फॉर राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन थ्री सब्जेक्ट्स विच इज़ टैक्स, कंपनी लॉ एंड EBCL. तो EBCL के मैं लेक्चर्स देख रही हूँ और टैक्स और कंपनी लॉ का रिविज़न कर रही हूँ. कम से कम इनके हाफ ऑफ द चैप्टर या फिर कुछ कंप्लीट होगा, हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होगा, तो मैं सोचूँगी दूसरे सब्जेक्ट्स में जंप करने का. आई हैव टू कम्प्लीट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज फिर मुझे रिविज़न करना है. जितनी बार रिविज़न हो जाए उतना अच्छा है. आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट माई सेल्फ टिल थिंग्स गेट रियली बोरिंग सम टाइम, पढ़ने का ही मन नहीं करता है. तो अगर आप लोग के पास कोई तरीका है जिससे थिंग्स विल गेट लेस बोरिंग तो डू शेयर इट विद मी. नाउ आई एम गोना एडिट दिस वीडियो एंड गोना अपलोड इट. सो या, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो. तो दिन की शुरुआत हुई EBCL के लेक्चर्स के साथ. आई वॉज वॉचिंग लेक्चर्स और कुछ लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे इस चैप्टर के. तो मैंने सोचा आज तो सारा चैप्टर कंप्लीट करके ही उठेंगे, तो उसके पहले कुछ नहीं किया. देन आई हैड लंच. तो आई थिंक मैंने 4 घंटे लेक्चर्स लिए थे, तो सुबह मैंने 4 घंटे पढ़ा. तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो फिर डायरेक्ट मैंने लंच ही कर लिया. और उसके बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ा सेल्फ केयर भी किया जाए. काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो मैंने आज हेयर मास्क बनाया विच इज़ बेसिकली ब्रिंगराज, रीठा, शिकाकाई एंड आंवला पाउडर, उन्हें मिक्स करके थोड़े टाइम बालों में रखा, देन फेस पैक. उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ गई आफ्टर अ नैप. मैंने EBCL का चैप्टर सुबह कंप्लीट कर लिया था. देन आई टुक अ ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक. तो 2-3 घंटे में मैंने सारा काम किया, उसमें सो भी गई, खा लंच भी कर लिया और भी जो भी थोड़ा बहुत काम था सब कर लिया. अब फिर से आई एम स्टार्टिंग टैक्स. तो टैक्स के रिविज़न लेक्चर देखूँगी और MCQ सॉल्व करूँगी. अभी आज नहीं, कल सॉल्व करूँ MCQ, क्योंकि अभी पहले रिविज़न का घंटे का सोचा है शेड्यूल. और लेट्स सी. तो शाम को आई स्टार्टेड द लेक्चर्स ऑफ टैक्स और मैं बोर हो रही थी रूम में, तो मैं बाहर चली गई. और एक्चुअली मैं बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था, अंदर से तो बहुत ही अच्छा था, थोड़ी हवा तो चल रही थी एटलीस्ट. तो फिर मैंने कम से कम 2-3 घंटे टैक्स का लेक्चर देखा. उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी कंपनी लॉ की. एक्चुअली मुझे ये दिन काफ़ी प्रोडक्टिव लगा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज लिटिल बिट सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने आज कुछ तो पढ़ा है. अदरवाइज मुझे लगता था कि नहीं नहीं यार, आज तो कोई पढ़ाई नहीं हुई. उसके बाद किया मैंने डिनर. तो आज डिनर में था कद्दू की सब्ज़ी विच वॉज एक्चुअली रियली रियली टेस्टी. और उसके बाद मैं कंपनी लॉ पढ़ने बैठ गई रिवाइज करने. राइटिंग प्रैक्टिस करने का भी सोच रही थी बिकॉज मुझे लगता है मैं वहाँ कहीं ना कहीं लैग कर जाती हूँ. सो बहुत ही जल्द मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूंगी. एक्चुअली मैं थ्योरी सब्जेक्ट काफ़ी बोरिंग होते हैं, मतलब मैं जब भी कंपनी लॉ पढ़ने बैठती हूँ मुझे नींद आने लगती है, क्यों पता नहीं क्यों. मैं एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ, मेरा फोकस पता नहीं यहाँ वहाँ जाने लगता है. इसीलिए जब मैं थोड़ा बहुत बोर होने लगती हूँ तो मैं रिविज़न लेक्चर्स का सहारा ले लेती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे नींद तो नहीं आती, मतलब मेरा फोकस इधर उधर नहीं जाता है. सो इट्स बेटर टू वॉच रिविज़न लेक्चर समटाइम. सो लेट्स मीट टुमारो. बाय बाय, थैंक यू.